are safe at home. My name is Rajan Gupta. I'm basically from Mathura. So I would like to tell you about my story of social work. So I got a call from one of my friend that you have to tell your story of social work. You have to inspire the people. And so I said ki I will not inspire anyone, but I will tell about my journey, the whole journey. So thank you TEDx for giving me such a nice platform. It's all about the construction to fill the gap between unfortunate and the fortunates. So meri story yahi hai ki fortunates and unfortunates ke jo gap hai usko kam karna. To छोटे से टाउन से हूँ, मथुरा शहर से. बहुत ही रिसोर्सेज, लिमिटेड रिसोर्सेज होते हैं. आप सब जानते हैं कि छोटे शहरों में, छोटे टाउन्स में. मेरी स्टोरी भी यहीं से स्टार्ट होती है कि एक छोटे से शहर का लड़का जो एक बॉयज़ स्कूल में पढ़ा, 15 साल तक उसने बॉयज़ स्कूल में अपना समय निकाला, अपनी स्कूलिंग कंप्लीट की. बॉयज़ स्कूल वाले अच्छी तरह जानते होंगे कि बॉयज़ स्कूल में पढ़ने के बाद उनके क्या क्या ख्वाब होते हैं, क्या क्या सपने होते हैं. तो वही मेरा सफ़र रहा. 2010 में मैंने अपनी हाई स्कूल और 12th कंप्लीट की. उसके बाद एक समय आया कि कॉलेज में एडमिशन लेना है. तो कॉलेज में एडमिशन के लिए बहुत ही लिमिटेड कोर्सेज थे उस टाइम पे कि आप बीटेक कर लो, बीकॉम कर लो, बीएससी कर लो, बीसीए कर लो, यही सब रहते थे. तो मैंने अपना फील्ड जो था बीटेक को चुना. वहाँ पर भी इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन. तो इंजीनियरिंग वाले बंदे जानते हैं कि बीटेक का क्या महत्व होता है, क्या नॉलेज होती है बीटेक की. तो मैंने भी वही फील्ड चुना अपना, बीटेक का. वहाँ से मेरा जो सफ़र था वो शुरू हुआ बीटेक का 2010 से. एक साल निकल गया वही एम्पियर्स, ओम्स लॉ, इसी सब में सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, यही सब में समय निकल गया. फोर्थ ईयर आता है, क्रूशियल टाइम होता है हर इंजीनियर का, चाहे वो आईआईटी में हो, चाहे वो किसी छोटी यूनिवर्सिटी में हो, किसी बड़ी यूनिवर्सिटी या किसी भी छोटे कॉलेज में हो. तो सबका एक ही फोकस होता है फोर्थ ईयर में आके कि प्लेसमेंट लेना, जॉब लेना. तो वही मेरा भी ख्वाब था, मेरा भी सपना था कि यार बीटेक करिए, एक जॉब मिलेगी, अच्छी जॉब मिलेगी. अनफॉर्चुनेटली जॉब तो नहीं मिली. मेरे सारे दोस्तों का प्लेसमेंट हो गया, कुछ मेरी तरह रह गए. कि इंजीनियरिंग वाले अच्छे तरह जानते हैं कि यार कितना स्ट्रगल करना पड़ता है जॉब के लिए भी. तो जॉब नहीं मिली मुझे. मेरा जो टाइम था उस टाइम पे मुझे जॉब नहीं मिली. तो मेरा स्ट्रगल शुरू होता है 2015 से, 2014 या 2015. तो मेरा स्ट्रगल वहाँ से शुरू हुआ जून 2014 से. इंटरव्यूज़ दिए बहुत, रोज़ सुबह जाना, शाम को आना, दोबारा घर वापस, यही चलता रहा 365 दिन. मतलब सुबह जाना, सुबह दिल्ली जाना, गुड़गांव जाना, नोएडा जाना, इंटरव्यू दे के आ जाना. एचआर बोलता था आई विल कॉल यू, बस वहीं समझ जाते थे आई विल कॉल यू मतलब. कुछ नहीं मिला. तो यही सफ़र चला. गवर्नमेंट एग्ज़ाम दिए, हर संडे गवर्नमेंट एग्ज़ाम होते थे. तो गवर्नमेंट एग्ज़ाम भी दिए, कुछ रिजल्ट नहीं आया, मतलब 0/0. तो एक समय आया 2015 अगस्त का कि आई गॉट अ जॉब, जॉब मिली. अब जो एचआर बोलते थे आई विल कॉल यू, तो आई गॉट अ जॉब एज अ एचआर ओनली इन केपीएमजी इंडिया. तो अब मेरा समय आया था आई विल कॉल यू बोलने का. तो लेकिन वो सब समय रहता है कि आपको कैसा फील्ड मिला, आपको कैसे रहना है, आपको कैसे आपको अपनी जॉब करनी है. तो वो मेरा समय मुझे मिला 2015 अगस्त में. मेरा सफ़र वहाँ शुरू हुआ कि जॉब का, कि हाँ अच्छी जॉब थी. लोग कहते हैं ना कि दोस्त बोलते हैं कि दिल्ली गया है, नोएडा गया है, गुड़गांव गया है, मज़े कर रहा होगा. लेकिन मज़े तो कुछ नहीं, सुबह वही झाड़ू लगाना, खाना बनाना, ऑफिस जाना, वो मज़ा सजा में बदल जाता है और कुछ नहीं. तो समय बीतता गया, एक साल हो गया, दो साल हो गया, लेकिन मोटिवेशन नहीं मिल रहा था. वो जैसे बोलते हैं ना कि मैगी के लिए जो होता है मसाला बहुत ज़रूरी होता है मैगी बनाने के लिए. आप सब लोग जानते हैं, सब मैगी खाते. तो वही मेरे साथ था कि यार मोटिवेशन मिलना है स्ट्रगल के लिए, लाइफ के लिए वो मसाला ज़रूरी है. स्ट्रगल और मोटिवेशन, ये दो चीज़ें हैं मैगी मसाला की तरह. तो
वही चीज़ थी, स्ट्रगल जो मेरा था वो ख़त्म हो गया था, लेकिन मोटिवेशन नहीं था। तो मोटिवेशन के लिए आई वॉज लाइक कि यार कुछ करना है यार, नहीं अब अगर मैं कहूँ, अगर मैं इतना अच्छा स्टूडेंट रहा स्कूल लाइफ में, कॉलेज लाइफ में, एवरेज स्टूडेंट, उसको भी इतना स्ट्रगल करना पड़ा अपनी लाइफ में एक जॉब के लिए, तो आप सोचिए जो बच्चे सड़क पर भीख मांग रहे हैं या रोड साइड कुछ बेच रहे हैं, तो उनको कितना स्ट्रगल करना पड़ेगा। मतलब ये एक सोचने वाली बात है, मतलब हम सोचते नहीं हैं, लेकिन मैंने सोचा ऐसा कि यार स्ट्रगल तो मैंने भी किया है, तो उन बच्चों को उस ऊंचाई पर पहुंचने के लिए कितना स्ट्रगल करना पड़ेगा। तो मेरी जर्नी कुछ यहीं से स्टार्ट होती है। मैंने अपना जो स्ट्रगल स्टार्ट किया था 2015 में, जैसे मैंने आपको बताया, फिर मथुरा मेरा आना जाना रहता था डेली बेसिस पे, आप कभी अप डाउन कर लिया, कभी सैटरडे संडे आ गए, तो वो सब चलता था। तो ऐसे ही एक दिन बैठे थे, मौज मस्ती कर रहे थे, तो यार जो मेरी थिंकिंग थी, जो मैंने सोचा था यार कि मैं एवरेज बच्चा होके, एवरेज स्टूडेंट होके, जब मुझे इतना स्ट्रगल करना पड़ा, तो यार जब जो बच्चे अनफॉर्चुनेट्स हैं उनको कितना स्ट्रगल करना पड़ेगा, तो ऐसी मेरी कुछ सोच थी। तो मैंने भी अपने फ्रेंड से डिस्कस किया यार कुछ करना है लाइफ में, कुछ मोटिवेशनल थिंग्स करनी है, तो मैंने डिस्कस किया यार कुछ सोशल वर्क की तरफ आगे बढ़ते हैं। जैसे मैंने स्ट्रगल किया है, जिन बच्चों को स्ट्रगल करना है उन बच्चों को स्ट्रगल के साथ साथ उनकी, उनको कैसे उनकी ऊंचाइयों तक पहुंचाना है, तो डिस्कस किया एक सोशल वर्क करने के लिए। तो हम अगले ही दिन से हमने उस चीज़ को अचीव करने का सोचा, उस चीज़ पर इम्प्लीमेंट करने का सोचा, तो नेक्स्ट डे से ही हमने उसको इम्प्लीमेंट भी किया। हम झुग्गी झोपड़ी बस्तियों में गए, वहाँ जाके देखा कि छोटे छोटे बच्चे 4 साल के, 5 साल के, 7 साल के, 8 साल के बच्चे भीख मांग रहे हैं। मतलब आई वॉज लाइक कि यार क्या है, मतलब ऐसा भी जीवन होता है। तो बड़ा अजीब लगा, अटपटा लगा कि यार नहीं यार, बच्चों का ये जीवन नहीं है। बच्चों के लिए एजुकेशन ज़रूरी है, बच्चों के लिए खेलकूद ज़रूरी है, गेम्स ज़रूरी हैं, अगर उनको कहीं ऊँचाइयों तक पहुँचाना है। तो ये भीख मांग के, रोड साइड कुछ चीज़ें बेच के, इनसे सिर्फ पैसा कमाया जा सकता है, वो पैसा भी इतना नहीं कि आप कुछ ऊंचाइयों तक पहुंच जाएं, नहीं। तो डेली बेसिस पे जाते थे, उनके माँ बाप की काउंसलिंग करते थे, काउंसलिंग के बदले जवाब ये मिलता था, पैसा ये कमा के नहीं लाएंगे तो आप खिला दोगे हमें। तो बड़ा ही अजीब था, मतलब मन को, मतलब ऐसा अजीब सा लगा यार क्या बोल रहे हैं ये लोग। तो फिर दे सोचा यार, रोज़ काउंसलिंग करी, रोज़ वहाँ जाना बस्तियों में, रोज़ झुग्गी झोपड़ियों में जाना, 3-4 बस्तियाँ थी वहाँ जाना, उन माँ बाप की काउंसलिंग करना, यही समय निकलता गया, 20-25 दिन निकल गए, यही सब चीज़ें सुनने को मिलती थी। लेकिन हमने अपना स्ट्रगल नहीं छोड़ा, हमने जो मेरा अंदर मोटिवेशन था मेरे अंदर, वो नहीं छोड़ा। और फिर यहाँ से जो कारवा शुरू हुआ, जो मैं का कारवा था, उसको मैं हम तक ले जाना चाहता था, तो वो कारवा मैं से हम तक पहुंचा, और जो मैंने एक टीम बनाई, फिर उस टीम के साथ काम करना स्टार्ट किया झुग्गी झोपड़ी बस्तियों में, तो वो जो 20-25 दिनों की मेहनत थी वो आगे जाके रंग लाई। और उससे पहले मैं एक चीज़ और बता दूं आपको, जब झुग्गियों झोपड़ियों में बस्तियों में जाते थे, तो वहाँ एक लड़की थी 7-8 साल की, वो एक नटका खेल दिखाती थी, पोल पे एक छोटी सी रोप पतली सी वो बांध के, वो उस रोप पे नंगे पांव चलती थी, तो मतलब एज लाइक अ स्ट्रेट, वो उसका मोटिवेशन था यार। मतलब ये देख के मैं भी शौक था, मेरी पूरी टीम शौक थी यार, वो लड़की कैसे चल रही है। तो वहाँ से मोटिवेशन आया, वो सब बच्चों को हमने इंक्लूड किया उसमें। उसके बाद उसमें से कुछ बच्चे 100-200 बच्चों में से 22-25 बच्चे हमारे पास आए, सर हमको पढ़ना है, हमको एजुकेशन लेनी है, हमको गेम्स में कहीं आगे बढ़ना है। तो बढ़ाई वो देख के बढ़ाई अच्छा लगा, मतलब यार जो चीज़ हमने स्टार्ट की थी, जो चीज़ हमने 100-200 बच्चों के साथ इम्प्लीमेंट की थी, उनकी काउंसलिंग की थी, वो उसमें से 22-25 बच्चे निकलकर हमारे पास आए एजुकेशन लेने के लिए खुद। लेकिन उनके माँ बाप की जो सोच थी अभी भी थोड़ी सी कहीं ऊपर नीचे रहती है, वो थी, उनको हम डेली कॉपी देते थे,
डेली स्टेशनरी देते थे, लेकिन अगले दिन आके देखते थे वो नहीं मिलती थी हमको। तो ये सब चलता रहा मतलब डेली बेसिस पे। लेकिन जो हमने 22 बच्चों से कारवा शुरू किया था, वो बच्चे अब पढ़ने भी लगे थे, खेलकूद भी करने लगे थे, तो ये कारवा अब 22 से बढ़कर 350 बच्चों तक पहुंच गया। ये मेरी और मेरी टीम की बहुत बड़ी अचीवमेंट थी कि हमने इस कार्य को सफल किया, 350 बच्चों तक जो सफ़र, और वो आज कारवा चल रहा है, अभी भी वो कारवा चल रहा है। तो उसके बाद ये सब चलता रहा, एजुकेशन हम दे रहे हैं, अभी भी चल रही है हमारी एजुकेशन, जॉब भी चल रही है साथ में मेरी। लेकिन मेरी एक एनजीओ पार्टनर हैं, वीरांगना कहूँगा उनको, शिखा अग्रवाल, उनसे मेरा डिस्कशन हुआ कि यार ये तो चल ही रहा है, इसके साथ हमें कुछ और भी करना है गर्ल्स के लिए, लेडीज़ के लिए, वुमेन के लिए। तो आई वॉज टॉकिंग वन डे रिगार्डिंग दैट फॉर द वुमेन एम्पावरमेंट की लाइक कि शिखा आप इसमें कुछ मदद कर पाएंगी मेरी। तो उन्होंने उसी टाइम शी क्विट हर जॉब एंड शी वॉज लाइक कि हाँ मैं पढ़ाऊँगी जो भी लड़कियाँ हैं जो सक्षम तो हैं पढ़ने के लिए लेकिन उनके पास रिसोर्सेज नहीं हैं। तो हमने वहाँ से अपना एक सेंटर स्टार्ट किया कि लड़कियों को आत्मनिर्भर बनाने का। तो अभी तक हम लोगों ने 100 लड़कियों को आत्मनिर्भर बना दिया और वो कारवा अभी चल रहा है अब। तो यही छोटी छोटी चीज़ें होती हैं मोटिवेशन की, कि हमको कहाँ से मोटिवेशन लेना है, हमको अपना सफ़र कहाँ से शुरू करना है और कहाँ तक ख़त्म करना है, ये सब चीज़ें हमारे ऊपर डिपेंड करती हैं। तो अगर हम और मैं अगर इसमें सफल नहीं हो पाएंगे, या मैं कहूँ मैं और हम इसमें सफल नहीं हो पाएंगे, तो हम आगे जाके कुछ कर भी नहीं सकते। तो सफल होना हमारे हाथ में है, स्ट्रगल करना हमारे हाथ में है, सब चीज़ हमारे हाथ में है, मेहनत करनी है बस और कुछ नहीं। इसी के साथ साथ हमने फिर एक चीज़ और स्टार्ट की, लाड़ों का कन्यादान, एक प्रोजेक्ट है वो छोटा सा, जिसमें जितनी भी हमारे पास इन्फॉर्मेशन आती है गरीब लड़कियों की या गरीब बेटियों की, उनकी फाइनेंशियली कंडीशन ठीक नहीं होती है, तो उनको जो घर का सामान होता है, जो थोड़ी सी राशि वगैरह या फिर जनरल थिंग्स, जो जनरल सामान होता है वो प्रोवाइड कराते हैं उसमें हम, तो वो प्रोवाइड कराते हैं हम उनको लाड़ों के कन्यादान में। तो ये सब चीज़ें अब हम करते हैं, ना कि मैं, एक टीम बन चुकी है मेरी जिसके द्वारा ये सारी चीज़ें, ये सारे कार्य किए जाते हैं। तो ये कारवा चल रहा है लगभग 2017 में जो मैंने बताया आपको, वो कारवा स्टार्ट हुआ, उसके बाद वो कारवा लगातार चल रहा है और इसमें बहुत सारी चीज़ें आई। मैं एक लाइन बोलना चाहूँगा कि जो है वो भी अच्छा है, जो था वो भी अच्छा है, और जो होगा वो भी अच्छा होगा। अब जो है वो तो अच्छा है ही है, जो था वो आपका पास्ट है, वो बीत चुका, अब उसमें आप कुछ नहीं कर सकते छेड़खानी। लेकिन अब जो होगा वो हमारे हाथ में है कि हम उसको कैसे सफल बनाएं, कैसे लोगों को मोटिवेट करें, कैसे लोगों की जिंदगियों में हम एक रोशनी ला पाएं, ये सब अब हमारे और आपके हाथ में है। तो यही छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जिससे लाइफ को, हम अपनी लाइफ को अच्छा बना पाते हैं, अपने आप को मोटिवेट कर पाते हैं, और इन छोटी छोटी चीज़ों से ही हम ग्रो अप हो पाते हैं। तो यही कारवा चल रहा था। लेकिन अंतिम में मैं यही बोलना चाहूँगा कि लोगों ने मुझे बहुत बोला कि यार 27 साल की उम्र है तेरी, क्या करेगा सोशल वर्क करके, क्या करेगा, ये कुछ नहीं है इसमें, कब तक, एक साल कर लेगा, दो साल कर लेगा, तीन साल कर लेगा। लेकिन मेरा जो लक्ष्य है वो 1-2-3 साल का नहीं है, अब ये मेरा लक्ष्य है बिल्कुल अंतिम तक है, जब तक मैं हूँ, जब तक मेरे ये सोशल वर्क ही चलते रहेंगे, ये मेरा जो जो कारवा बना है, जो मेरा परिवार बना है, मैं से लेके हम तक का जो परिवार बना है, तो ये कारवा अब चलता रहेगा।
मैं आप सभी लोगों का शुक्रिया करना चाहूँगा। मेरी जो पूरी टीम है, मेरा जो पूरा परिवार है, अब 500 लोगों का लगभग परिवार और 500 से अधिक लोगों का परिवार बन चुका है वो, तो उन सबका शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि उन्होंने इसमें मेरे साथ मिलकर बहुत ही मेहनत की। उन बच्चों ने बहुत मेहनत की अपने आप को सफल बनाने में, उन महिलाओं ने, उन युवतियों ने बहुत मेहनत की अपने आप को आत्मनिर्भर बनाने में। तो मैं सबका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा कि उन्होंने मेरा साथ दिया, मेरे इस सफ़र में जुड़े। और थैंक यू सो मच, थैंक यू टेडेक्स फॉर गिव मी सच अ नाइस प्लेटफॉर्म। थैंक यू सो मच।